वेलकम टू शेफ शीरू, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी। अन्य नूडल्स के मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये मैदा नहीं बल्कि वीट से बनता है और ये एक इटालियन डिश है जिसे हम थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में तो कुछ भी बनाया जा सकता है, तो इसे हम बनाते हैं। स्पेगेटी को बॉईल करने के लिए पानी के साथ स्पेगेटी को और एक टेबलस्पून नमक और एक टेबलस्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालना है और इसे उबलने देना है। देख सकते हैं आप, उबाल आने लगा है। स्टिर करते रहिएगा ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। ये देख सकते हैं आप, स्टिर हमको करना है। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए पकाना है और गैस बीच में बंद कर दीजिएगा 6 या 7 मिनट और नूडल्स को अंदर रहने दीजिएगा। इससे क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस बॉइल्ड वाटर के अंदर चालू रहता है और एक 2-3 मिनट के बाद इसे दूसरे बर्तन में निकाल के इसमें रनिंग कोल्ड वाटर इस तरह से देना है ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। देख सकते हैं आप, सारे नूडल्स अलग अलग हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये बॉईल करने का, इससे नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। देख सकते हैं आप, सारे नूडल्स अलग अलग हैं। इटालियन क्विजीन है जो कई सारी तरह के सॉसेस के साथ खाया जाता है, बट हम अल्फ्रेडो सॉस बनाने जा रहे हैं जो वाइट क्रीमी चीज़ी रहती है। इसके लिए हमने बटर यूज़ करना है। बटर में हमको हर्ब्स यूज़ करने हैं, हर्ब्स या मसाले जो हम लोग इंडिया में स्पाइसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हिस्ट्री देखिएगा तो भी पता चलेगा। इससे आप परेशान मत होइए कि ब्लैकिश क्यों हो गया है, क्योंकि बटर जब भी हम गर्म करते हैं तो वो ब्लैकिश होता है। इसमें हमने जीरा, ओरिगेनो फ्लेक्स, अजवाइन, लहसुन डाल के फ्राई किया है और मैदा 2 चम्मच डाला है और 1 कप दूध डाल के इसे बॉईल करेंगे सॉस बनाने के लिए। जितनी चीज़ हो सके उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शेडो, मोज़रेला, चीज़ स्प्रेड। लॉकडाउन की वजह से समझ सकते हैं कि थोड़ी कमी होगी चीज़ों की, बट ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन बनेगा। इसमें मसाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाइट पेपर, मैजिक मसाला जो आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस होगा इंडियंस के लिए, वरना हमारे लिए उबला हुआ खाना खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नमक अपने स्वाद अनुसार इसमें डालिए और 1 कप दूध और ऐड करके इसे बॉयल करिए थिक होने तक। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, कंसिस्टेंसी बराबर हो, सो इसमें चिली फ्लेक्स, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट टेस्ट इन्हेंस के लिए, और साथ ही इसमें मिक्स कर देना है। सॉस हमारी रेडी है जो हमने बॉयल की थी स्पेगेटी। आप देख सकते हैं ये सारी स्पेगेटी हमने इसमें ऐड कर दिया है सॉस में। कंसिस्टेंसी सॉस की बराबर होनी चाहिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। कई बार क्या होता है कि मिक्स करने के दौरान नूडल्स आपस में चिपक जाते हैं, बट जिस तरह से बताया गया है अगर उसी तरह से हम इसको बॉईल करेंगे सो चिपकने का चांस ही नहीं। आप देख सकते हैं कितनी शिद्दत से इसे मैं मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन ये ना आपस में टूट रहे हैं ना चिपक रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी यानी कि सॉस और नूडल्स पके हुए हैं। अमूमन ये कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हल्का स्वीटिश टेस्ट होता है, बट जिन्हें पसंद है उनके लिए इस तरह से बनाइए। थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस किया हुआ है। ये देखिए लाजवाब पास्ता हमारा तैयार है। स्मूदी, वाइट चीज़ी, यमी। बिल्कुल इसे बनाइए घर पे, ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। वीट से बना होने की वजह से इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जो बच्चों के लिए अच्छी है इन कंपैरिजन टू मैदा नूडल्स। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारा लोगो भी लॉन्च हो चुका है शेफ शीरू का, आप देख सकते हैं एंड ऑफ द वीडियो में, शेयर करिएगा। धन्यवाद।